हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, मैं आपके लिए वीकली बेसिस पर वीकली आंसर्स लाता हूं जिसमें हम सब ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, पूरे वीक में मार्केट हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल, और ये सब करने के लिए मैं आपके साथ एनालिसिस जो करता हूँ वो मैं ग्लोबल की उस डेटा एंड इन सब चार्ट के साथ एनालिसिस की जाती है, वो प्रॉपर काम करती है आपको पता होगा। ओके, और फिलहाल हमने इस वीक के लिए जो कि हमारा खत्म हो गया 29th of May से लेकर के 2nd of June, तो हमने ये जो प्लानिंग करी थी, ये प्लानिंग करी थी कि 650 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और 300 का सपोर्ट रहेगा और मार्केट हमारा साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 662 का हाई लगा करके मार्केट आपका नीचे आ गया है एंड क्लोज हुआ है 534 पे। तो अगर हम क्लोजिंग डे बेसिस पर देखें तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है 34-35 पॉइंट्स, लेकिन ये जो वीकली कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है क्योंकि हाई ये रहा और क्लोजिंग ये रही, तो रेड कैंडल बनेगी वीकली वाली। ओके, तो ये चीज हमारी प्लानिंग जो हमारी प्लानिंग थी परफेक्ट गई। अब आप अगर नए हो तो आप वीकली एनालिसिस के बेस पे स्ट्रेटजीज के वीडियो लगा सकते हो, आयरन कॉन्डर बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, आप चाहो तो ये सब स्ट्रेटजीज बना सकते हो और इजीली 2-3% का रिटर्न निकाल सकते हो वीकली बेसिस पे, जहां पे हमारा व्यू साइडवेज और वोलेटाइल का हो। बाद में थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर करने का टाइम आए तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास उतना सफिशियंट नॉलेज है एडजस्टमेंट आप कर सको तो ही करो, अदरवाइज आप जो है सिंपली इसको वॉच करो और प्रॉपर बेसिस पे ट्रेड करो। तो ये अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करा करिएगा, नॉलेज आपको मिलता है क्योंकि वीकली बेसिस पे जो हम डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर नॉलेज पैक्ड वीडियो होता है, सभी चीजें इसमें आपको समझ में आ जाती है कि फॉरेन के मार्केट कैसे इंपैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल कैसे इंपैक्ट करता है, डॉलर इंडेक्स कैसे काम करता है, हमारा चार्ट कैसे काम करता है, तो वो सब एक पूरा व्यू आपका बनता है। प्लस हम सेक्टर को डिस्कस करते हैं कि सेक्टर में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि आईटी सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए और मैंने आईटी सेक्टर के कुछ चार्ट्स भी आपके सामने शेयर करे थे, जैसे कि परसिस्टेंट का एक शेयर किया था, ये देखिए, तो परसिस्टेंट ने आई थिंक 10-12% का रिटर्न दे दिया है जब से मैंने ये वीडियो बनाया। तो ऐसे वीडियोज आते रहते हैं, आप जरूर वीडियोज को लाइक करा करिएगा। साकार का देखिए मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, साकार हेल्थ केयर कहाँ गया उसका स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, और शांति केयर तो जब किया था वहां से डबल हो गया, देन उसके बाद मैंने फिर किया, तो ये सब आप वीडियोस देखते रहिए। विंडलास का भी जस्ट शेयर किया, उसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी है, सीएट का भी शेयर किया था, वहां से भी ऊपर है, तो आप इसको जरूर देखा करिए। और ये सब नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलते तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इससे क्या होगा कि जो वीडियोस में अपलोड करता हूँ उसकी लिंक यहाँ पे चली जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देते तो मैं उसका भी आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि क्या उसमें लॉजिक है, क्या एनालिसिस है, ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। ओके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट करके सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और विदाउट स्पेस कर जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सपोर्ट किया जाएगा। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीक में किस तरीके से मार्केट हमारा काम किया और हमारा व्यू क्या था। तो हमारा व्यू था 650 का रेजिस्टेंस है जो अच्छा स्ट्रांग तरीके से काम किया, और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो आपका ये काम करेगा, 300 का भी सपोर्ट था, तो मतलब मार्केट में सपोर्ट भी स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था, तो व्यू जो बना वो वोलेटाइल का बना और साइडवेज का बना, मार्केट ने उसी हिसाब से काम किया। यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम में सेलिंग आई है क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थिंक यहाँ पे अभी बनी, आई थिंक पहली बार है, यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम जो बनी है वो पिछली वॉल्यूम बनी थी 31 मई 2022 को, तो 31 मई 2022 के बाद से अगर डेली बेसिस पे वीडियो जो वॉल्यूम बनी है वो सबसे ज्यादा बनी है 31। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत एकदम जैसे कोइंसिडेंस हो गया। ये देखो 31 में यहाँ पे बनी है और 31 में यहाँ पे बनी है, तो हो सकता है 31 मई का कोई सिग्निफिकेंस हो, इसको मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 31 मई को बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स बने, तो पिछली बार जब हुआ था तो देखते हैं क्या हुआ था। पिछली बार को जब वॉल्यूम बनी थी तो वो एक दोजी कैंडल थी और देन उसके बाद मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर मार्केट आपका नीचे गया था, जो मेन ट्रेंड था वो नेगेटिव था। ओके, तो मेन ट्रेंड नेगेटिव था, दैट्स दिस इज व्हाई ये एक रिजेक्शन का साइन था यहाँ पे बेसिकली। और अगर हम यहाँ पे देखें 31 मई को, तो 31 मई में आज के दिन में यहाँ पे जो मेन ट्रेंड है वो आपका अभी ये जो पॉजिटिव है, मेन ट्रेंड साइडवेज है बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो टॉप पे बना है, तो हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंस हो, हम उसको देखते हैं, डिस्कस करेंगे। यही सब चीजें तो हम सब डिस्कस करते हैं जो आपको नॉलेज आपका बढ़ाती है, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप उसको जरूर लाइक करिएगा। ओके चलिए, तो हमारा जो प्लानिंग था परफेक्ट गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले वीक में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए, और या फिर मार्केट का हमारा मूड कैसा रहने वाला है। और आपको पता है सबसे पहले ग्लोबल क्यूज, देन उसके बाद डेटा, देन उसके बाद चार्ट। तो चलते हैं ग्लोबल क्यूज, तो हमारे अगले वीक में जितनी भी न्यूज है उसका एक तरीके से ओवरव्यू ले लिया जाए। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो है
आपका जो महीना जो वीक शुरू होगा वो होगा 5 जून से लेकर के 9 जून, ओके। और 5 जून को आई थिंक मंडे होगा, तो मंडे से आपका ये शुरू होगा और फ्राइडे, ओके। तो मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो अब हम सिंपली आगे बढ़ते हैं। 5 जून को आई थिंक एनवायरनमेंट डे ऐसा कुछ है, तो आप जो है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ जरूर करिएगा, एक आध पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी लगाऊंगा, ओके। 5 जून को ही है, मैं एक बार जरा कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि जस्ट याद रहता है 5 जून को कुछ ना कुछ तो है। 5th जून यस एनवायरनमेंट डे, ओके। तो एनवायरनमेंट डे है तो आप जरूर एनवायरनमेंट के लिए कुछ करिएगा, ओके। और एक आध पेड़ तो जरूर लगाइएगा, एक पौधा जरूर लगाइए, ओके। चलिए, सो हमारा जो सबसे पहले देखो न्यूज यहाँ पे क्या क्या, तो सबसे पहली न्यूज जो है वो इंडिया की सर्विसेज पीएमआई के 62% इसमें बढ़ा था। अच्छा, मेन बेनिफिट हमारे पास क्या है पता है, हमारी जो जीडीपी का नंबर आया वो बहुत स्ट्रांग आया है। तो जीडीपी का नंबर अच्छा आ गया है, तो इससे क्या होता है कि मैंने आपसे पिछले वीक में भी डिस्कस किया था कि एफआईएस को झक मार के हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा, बट अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, प्राइस एक्शन थोड़ा सा डल बन रहा है, तो मार्केट में पैसा आएगा जरूर, बट वो अभी टाइम लेगा। तो मैं आपको गोल्ड को भी दिखाता हूँ चार्ट, डॉलर का भी चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको लिंक दिखाऊंगा क्यों हमारे यहाँ पैसा आएगा, और हो सकता है कि पैसा आना शुरू हो जाए, बट आपको चूंकि आप लोगों को तो ये कैंडल्स दिखाई देती है, तो कैंडल्स के बेस पे मत जाया करो, ओवरऑल देखा करो कि अल्टीमेटली पैसा हमारे यहाँ पे आएगा, ओके। तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप अच्छे से वीडियोस को देखते रहो, भगा के मत देखिए, भगा के देखोगे तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। वीडियो लंबा चलता है क्योंकि मैं हमेशा नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ, कोई वो नहीं है कि भैया यहाँ पे बाई करो यहाँ पे सेल करो, ये सब टिप्स जैसी कुछ होती नहीं है, ओके। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि जो हमारी इंडिया की सर्विसेज पीएमआई का डेटा आने वाला है वो आएगा, वो अच्छा ही डेटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे, चूंकि हमारे जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कंपनीज के, वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो सिंपली क्या होगा अल्टीमेटली कि आपके जो सर्विसेज का पीएमआई है उसका भी नंबर अच्छा आएगा, उसके साथ साथ जो ये सब कंट्रीज के भी डेटा आने वाले हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बताएंगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो पूरी दुनिया से एक तरीके से समझ में आएगा। फिर यूएस के फैक्ट्रीज के ऑर्डर आएंगे, ये यूएस के लिए हमारे यहाँ पता नहीं है। जून 6 को एक ईकीओ का लाइटनिंग का आईपीओ है, ओके, ये आईपीओ के बारे में खरीदा करें। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि इसके वजह से कोई फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी, इसका भी कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फर्क पड़ेगा, इससे देखो क्या होगा कि अगर चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो जैसे अभी स्टील सेक्टर में अभी देखो कॉपर के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, कॉपर के प्रोडक्ट्स जैसे कि भारत वायर ले लो आप, और यहाँ पे जो कॉपर के प्रोडक्ट बनाने कॉपर के वायर बनाने वाली जो कंपनीज है वो भाग रही है, तो इससे भाग्यनगर ले लो, तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस सेक्टर में पैसा बनने वाला है, मतलब कहाँ पे रैली आने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स वहां पे मिलेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो चाइना में अगर इंपोर्ट बढ़ जाए मेटल्स का और इन सब का, तो दैट मीन्स कि वो हमारे मेटल सेक्टर के लिए अच्छा माना जाएगा, प्लस जिस चीज का भी इंपोर्ट बढ़ेगा चाइना पे इंपोर्ट, ओके, चाइना में इंपोर्ट जिस चीज का बढ़ेगा यूं समझो कि इंडिया उस कंपनीज को बेनिफिट होगा। ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दो और आपको समझ में आना चाहिए। इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, जब डेटा आएगा तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या फिर आप खुद से भी देखो, तो जो जिसका भी इंपोर्ट बढ़ेगा चाइना के अंदर, उस सेक्टर में आप थोड़ा चाहो तो एक व्यू देख सकते हो, वहां पे पैसा बनने का थोड़ा शॉर्ट टर्म में चांस रहेगा। उसके बाद यूएस का ट्रेड बैलेंस एक तरीके से यूएस के लिए ही आएगा, हमारे इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कनाडा का तो खैर कोई खास मतलब होता नहीं है कनाडा के लिए, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 8 जून को होगा। तो 8 जून को अगर देखेंगे तो 8 जून को ही एक्सपायरी है, और ये पता नहीं क्यों लोग एक्सपायरी के दिन ही रखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही लगती है, भाई तुम लोग एक दो दिन आगे पीछे रखो ना, 2-4 दिन आगे पीछे रखो, एक्सपायरी के रखते हो तो मतलब ये समझ में नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन आएगा आरबीआई के थ्रू वो आएगा 8 जून को, ये एक्चुअली अनचेंज रहने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में व्यूज है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो अनचेंज मोस्ट ऑफ रहने वाला है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, ओके। और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, ये आपको ये अगर इसका तो खैर मतलब नहीं है, यूएस के अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, ओके, और कोई खास नहीं है, बट यही सब चीजें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेन है कि हमारे यहाँ पे आरबीआई का डिसीजन आने वाला है, और जो चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उससे हमें किसी सेक्टर में पैसा डालना है वो थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ओके। तो ये ग्लोबल व्यूज हो गए। देन उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा गोल्ड का चार्ट दिखा करके और डॉलर का चार्ट दिखा करके। तो हमने पिछले वीक में डिस्कस ये किया था कि डॉलर को क्रैश कराएंगे, ओके, डॉलर को क्रैश कराएंगे। तो देखिए डॉलर भी क्रैश हुआ, हमने ये किया था कि हमारा मार्केट क्रैश नहीं होगा लेकिन डॉलर क्रैश होगा,
ये मैंने स्टेटमेंट दिया था कि दोनों बढ़ रहे हैं, मार्केट भी बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को तो क्रैश करवाना पड़ेगा, तो क्रैश हमारा मार्केट नहीं होगा, क्रैश इन द सेंस की थोड़ा साइडवेज टू डाउन साइड, तो इसको क्रैक कराएंगे। तो ये देखिए ये आपका हो गया, लगभग इसने 104 से 104.69 का हाई लगा करके अभी नीचे गया था और ये अभी भी 104 पे है। तो अगर आप मेरी वीकली वीडियोस देखते हो तो आप यहाँ पे, अच्छा बाय द वे पैसा बनाया भी है, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा था कि, और कुछ स्टॉकियंस ने कि सर जी मैंने आपके इसके जो वीडियोस आपने बनाए थे डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो आपने बताया था कि सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे डॉलर को बाई कर रखा था और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। ओके, तो ये जस्ट ग्लोबल क्यूज के वीडियोज आप अगर देखते हो, मतलब वीकली वीडियोज, तो उसमें मैं ग्लोबल क्यूज डिस्कस करता हूँ, तो उसमें डॉलर इंडेक्स का प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करते हैं कि डॉलर का कैसा मूवमेंट रहने वाला है, और उसके हिसाब से आप अगर डॉलर में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट अपने रिस्क पे लीजिएगा, अपने एनालिसिस करने के बाद लीजिएगा, ये कोई टिप या फिर एडवाइजर नहीं होती, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं बनाता हूं। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्या बन रहा है, तो अभी इसका मेन ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है और यहां से रिजेक्शन हो गया, तो ये फिर से अब नेगेटिव साइड स्टार्ट होना शुरू कर दिया है, तो अब ये नीचे जाएगा और हमारे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ओके, ये पहला पॉइंट है, तो इसका अब नीचे साइड अब स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर ये फिर से ऊपर जाने लगे तो ये एक तरीके से खतरा हो जाएगा, याद रखो। अभी इसने शुरू कर दिया है नीचे जाना, लेकिन ये यहाँ पे देखिए कैंडल बनी, अगर ये फिर से इसके ऊपर निकल गया तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी होगी, तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं तो साइडवेज तो जरूर रहेगा या फिर वोलेटाइल रहेगा, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा मार्केट एक दो महीने तक ऐसे वोलेटाइल रहेगा, तो आप इसमें बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि बहुत ज्यादा गेन आ जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, शांति से अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जहां पे पैसा मर रहा है आप उसमें पैसा बनाते रहो। तो ये पहला पॉइंट है, ये नीचे जा रहा है। दूसरा, हम अगर गोल्ड का चार्ट देखें, तो गोल्ड के चार्ट को देखें अगर, तो यहाँ पे गोल्ड ने हाई लगाया जो वो था 61845 का, तो 61845 से ये साइडवेज होकर के फिर से नीचे गया, और यहाँ पे जो अभी पैटर्न बना है ये एक्चुअली बेयरिश पैटर्न है, आप अगर इसको देखोगे तो ये बेयरिश पैटर्न है, तो ये अब इसके नीचे निकलेगा ये, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर यहां से रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे आएगा, और तब इसका जो सीधे सीधे बनेगा वो सीधे नीचे की तरफ बनेगा ट्रेड का, बट ये आने में 2 से 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, ये इतना इजी नहीं है, ये मैं पैटर्न बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बन जाएगा, ये इजी नहीं, ये नीचे जाएगा। तो अभी एक्चुअली गोल्ड से आउटफ्लो होगा, यानी गोल्ड का पैसा निकलेगा और वो जाएगा इक्विटी मार्केट में, ये बात याद रखें, तो इक्विटी मार्केट में ही पैसा जाएगा, ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन लगती है, और ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ओके, जस्ट चार्ट को देख करके मैं आपके साथ अंडरस्टैंड करता हूँ, प्लस ग्लोबल क्यूज को ध्यान में रखता हूँ, सो ये चीज एक होती है, और अभी तक हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लोबल क्यूज के मोटा मोटी जो हमारे व्यूज होते हैं वो सही चलते आ रहे हैं। ओके, तो ये हो सकता है, आई एक्सपेक्ट कि ये सही चला जाए, तो ये एक व्यू है। ओके, तो गोल्ड में ऐसा व्यू नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गोल्ड बेच दोगे, गोल्ड में ट्रेडिंग वेडिंग मत करो, हाँ अगर नीचे आए तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप उसको बाई कर सकते हो, गोल्ड बीज आप बाई कर लिया करो, सिल्वर बीज आप बाई कर लिया करो, तो ये सब चीजें आपको बाई करनी चाहिए, तो आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, तो क्रूड ऑयल का अभी खास उतना फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि महंगाई जो है सब सुधर रही है, तो महंगाई अगर सुधर रही तो ग्लोबल क्यूज में उतना ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वैसे भी ये नेगेटिव ही है, ये बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने वाले नहीं, ये नेगेटिव है, तो ये अभी फिर भी ऐसे नीचे ही रहेगा। ओके, तो क्रूड ऑयल का आपका एक इंपैक्ट है। देन उसके बाद हम देखें निकेई, तो देखिए निकेई में एक्चुअली स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो जापान का इंडेक्स है, तो इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो एक्चुअली जापान में कुछ उन्होंने फंडामेंटल चेंज किए हैं जिसकी वजह से वहां पे इनफ्लो बढ़ा है, तो इसके मार्केट ऊपर गया, तो ये थोड़ा सा अगर नीचे आएगा ना तो FIIs के पैसे यहां से निकल करके इंडियन मार्केट में आएंगे जरूर, बट ये सब टाइम लेगा, ये सब मैं आपको बता रहा हूं तो आपके माइंड में होना चाहिए, और ये एकदम से एक दो दिन में नहीं हो जाएगा, ये सब होने में एक दो महीने लगते हैं। ओके, तो वो सब आप धीरे से ध्यान रखा करो। तो अभी अल्टीमेटली क्या है कि ये थोड़ा सा जापान के इंडेक्स को ऊपर लेके गए हैं, जापान में थोड़ा सा पैसा डाला है FIIs ने, तो थोड़ा सा ये पैसा शिफ्ट होगा, बिकॉज यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके वो इंडिया में लाएंगे, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन लगता है, और ये सब एक रिसर्च का पर्पज है, और मैं जो मेरे कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूं, और ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम इसको देखें आपके नैसडेक को, तो नैसडेक में देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोग अगर आपको पता होगा, आई थिंक कि कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता है, तो नैसडेक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक हमारे यहाँ पे ETF है MON100 करके, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा किसी दिन, MON100 मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100। तो अगर आपको नैसडेक में अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आपको लगता है कि भैया नैसडेक जो है वो ये ऊपर जाने वाला है, तो आप MON हमारे इंडियन मार्केट में है, आप उसको खरीद करके उसमें थोड़ा नैसडेक जैसा रिटर्न बना सकते हो। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करना पड़ेगा, देन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर जी नैसडेक में कैसे इन्वेस्ट करें, उसका वीडियो बनाओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सही तरीका है, और जो एनालिसिस मैं दूंगा, जो मेरा
एंट्री का पॉइंट बताऊंगा जिसको मैं खुद यूज करता हूं, तो वो सब आपको मिलेगा, बट उसके लिए आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं अपने पूरे मार्केट पर। तो हमने व्यू क्या देखा, हमारे व्यू में ये पता चला कि नैस्डेक ऊपर है तो आईटी सेक्टर ऊपर है, मतलब ये बेसिकली आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आईटी सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जापान का इंडेक्स ऊपर है तो जापान के इंडेक्स से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होकर के इंडियन में इनफ्लो होगा। गोल्ड का रेट अभी नेगेटिव जाना शुरू हो गया है, तो ये यहां से भी पैसा निकल करके इंडियन मार्केट्स में आएगा और इक्विटीज में आएगा। प्लस चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा को हमें देखना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे यहाँ पे किस सेक्टर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने वाली है। ओके, फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि जो कॉपर के प्रोडक्ट्स हैं उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी है, बट देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देन उसके बाद जो मेटल सेक्टर में रैली आने वाली है, अगर आएगी, फिलहाल तो मेटल सेक्टर डाउन है, आप उससे दूर रहो, लेकिन अगर चाइना के जो डेटा है वो सुधरने लगे तो उससे हो सकता है कि मेटल सेक्टर में थोड़ी सी फिर से रौनक आए, बट अभी उसमें टाइम है। ये चीज तो हमने ये पूरा एक डिस्कस कर लिया ग्लोबल के उसको, अब हम चलते हैं अपने डिस्कस करते हैं मार्केट को। तो मार्केट में निफ्टी के लिए सबसे पहले डेटा देख लिया जाए, तो डेटा हमारा क्या कह रहा है, तो डेटा में सबसे पहले एफआईएसडीएस का जो डेटा है वो यहां पे अगर हम देखें तो इन्होंने इंडेक्स में 14,000 करोड़ का ऑप्शन बाई किया है। तो अगर 14,000 करोड़ का ऑप्शन बाइंग हुआ है तो मैं आपको एक रेशियो बताता हूं और ये सब सीक्रेट रखना अपने साथ। 10,000 करोड़ से ज्यादा अगर ऑप्शन की बाइंग होती है तो मार्केट उसके बाद उस वीक की एक्सपायरी तक मार्केट जो है आपका लगभग 100-200 पॉइंट के मूवमेंट देता है इंट्राडे में। ओके, इसका मतलब है कि यहां पे मार्केट किस तरफ जाने वाला है उस चीज का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मालूम है किसी को। दिस इज वाई यहां पे ऑप्शंस बाई करके हेज किया गया है खुद को। ओके, ये चीज याद रखो, ये कौन करता है, एफआईएस करते हैं। तो 14,000 करोड़ का यहां पे ऑप्शंस बाई किया गया, इंडेक्स का ऑप्शन, दैट मींस हेज पोजीशन क्रिएट करी गई है और मार्केट में क्या व्यू रहने वाला है किसी को नहीं पता है। वीक्स हमारा डाउन है तो अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फॉल नहीं दिखाई देता, वीक्स अगर बढ़ेगा तो ही हमें नेगेटिव फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो व्यू है वो वोलेटाइल ही रहने वाला है क्योंकि ऑप्शन से पता चला है। अगर हम टोटल देखें तो इन्होंने सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सेलिंग अभी यहाँ पे शुरू कर दी है, बट उसके पहले इन्होंने यहाँ पे भी सेलिंग करी है, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करी थी। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो एफआईएस का जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव, स्लाइटली, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव। ओके, तो ये हमें एफआईएस के व्यू से पता चला है। निफ्टी के इंडेक्स को अगर हम देखें तो निफ्टी के, चलिए डेटा को देख लेते हैं। सो निफ्टी के डेटा में आप सबसे पहले चलते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर के वाई को देख लेते हैं। फ्यूचर के वाई हमारा जो इशारा कर रहा है वो कर रहा है, वो एक्चुअली फ्लैट ही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो स्टार्टिंग में था 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था, देन उसके बाद ये घटा है, तो ओपन इंटरेस्ट आपका घटा है और यहाँ पे प्राइस जो है आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्टअप का इशारा है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग की पोजिशन क्रिएट करी गई है हेजिंग के पर्पज से। ओके, हेजिंग के पर्पज से पोजिशन क्रिएट करी गई, तो इसको आप बहुत ज्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा। यहाँ पे जो इशारा दिखाई दे रहा है ये मुझे लग रहा है कि ये हेजिंग पर्पज से पोजीशंस क्रिएट करी गई है। ओके, तो ये पता चला। अब चूंकि हेजिंग इसीलिए होती है जब वहां पे व्यू होता है कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है। ओके, कंफर्म नहीं है कि जाएगा, तो जा सकता है, दिस इज वाई वो हेज करते हैं, तो हेजिंग करी है, दैट मीन्स कि मार्केट में थोड़ा सा जो व्यू है वो स्लाइटली नेगेटिव रहने वाला है, ये हमें फ्यूचर से पता चला है। देन उसके बाद ऑप्शन चेंज पे देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता चलते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखें, सबसे पहले पीसीआर को देख लेते हैं, तो 9.5 का पीसीआर है, पीसीआर अभी 1 से नीचे चला गया है, तो 1 से नीचे का पीसीआर का मतलब होता है कि स्लाइटली साइडवेज टू वोलेटाइल, और अगर ये 7 से नीचे चला जाए, 8 से नीचे चला जाए तो फिर नेगेटिव हो जाता है। 1 से नीचे नेगेटिव ही माना जाता है, बट मैं 1 से नीचे नेगेटिव नहीं मानता, मैं 8 के नीचे नेगेटिव मानता हूँ, मतलब 0.8, तो 0.8 के नीचे मैं नेगेटिव मानता हूँ, तो 8 से लेकर के 1 तक साइडवेज टू वोलेटाइल, 1.2 से ऊपर जो निकलेगा तो फिर मैं बुलिश मानता हूँ, तो अभी फिलहाल वोलेटाइल का इशारा कर रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं और 2 दिनों तक मैंने आपको इस साथ वीडियो नहीं मैं आपको डाल सका प्री मार्केट के, बिकॉज रीजन ये था कि मैं थोड़ा सा कोल्ड और फीवर में बीमार हो गया था, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, तो मैंने कहा वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग उसको देख करके थोड़ा सा व्यू क्लियर कर सको। ओके, और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट नहीं दी थी, मैं टोटली इनएक्टिव था। चलिए, सो यहाँ पे 18,500 का हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, और अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहीं पे कॉल का भी रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, तो 18,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बिल्ट अप हो रहा है, दैट मींस थोड़ा सा नेगेटिव साइड बायस बन रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखेंगे तो 18,600 का सॉरी 18,500 का हमारे पास सपोर्ट है और 18,600 का हमें अभी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट 500, रेजिस्टेंस 600। अब बोलोगे सर जी वीकली बेसिस पे 100 पॉइंट का, यस, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग लेके चलता हूँ कि क्या हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा अभी भी 18,200 का रहेगा, 18,200 का वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 18,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे हमारा रहेगा। तो ये मार्केट को तोड़ना मुश्किल है, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है, नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका तोड़ने वाला होगा तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो इस तरह से पता चलेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो 18,600-18,500 के कॉल के ओआई घटना शुरू हो जाएंगे और पुट के ओआई बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आप समझोगे कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है और ये तोड़ सकता है। ओके, लेकिन अगर ऊपर जाने के टाइम पे ये दोनों में चेंज ना हो तो समझो मार्केट आपका नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे आ जाएगा। और अगर नीचे जाने लगे तो मार्केट अगर नीचे जाने लगे और उस टाइम पे ये 500 का पुट का ओआई कम होने लगे, 400 का पुट का ओआई कम होने लगे और ये 600 का भी कम होने लगे और कॉल का ओआई बढ़ने लगे 400, 500, 600 का, तो आप ये मानोगे कि मार्केट आपका और नीचे जा सकता है, वो तोड़ सकता है। तो ये आप इसको देखते रहो, बट अल्टीमेटली आप इसको डेली बेसिस पे नजर रखो तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम चेंज को देखें तो ओआई चेंज में अगर देखें तो 600 पे एडिशन हुआ है और 500 पे भी एडिशन हुआ है, तो दोनों साइड अभी फिलहाल पोजिशन बनाई गई। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बाइंग करी गई, तो मैं इसको ये समझता हूँ कि ट्रेडिंग प्लस हेजिंग के पर्पज से बाइंग किया गया। यहाँ पे पुट भी बाइंग किया गया और ये भी बाई किया गया है हेजिंग के पर्पज से। तो इसमें अब चेंज क्या होगा हम उसको समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों को लगेगा सर जी ये खिचड़ी बता रहे हो, देखिए इसको समझना थोड़ा सा टफ है, बट आप अगर मार्केट को अच्छे से समझोगे और आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफी दिनों से तो आपको पता होगा कि ये कैसे चीजें काम करती हैं। ओके, चलो अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस चीज को आपको सिंपली ये देखना है कि मार्केट में प्राइस को देखना है आपको, प्राइस जिधर जा रही है आप उधर जाइएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं इस टाइम पे। ओके, जब ऐसे डेटा पॉइंट्स बनते हैं तो ट्रेंडिंग मूव बनते हैं, इंट्राडे में ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं और वोलेटाइल रहता है ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे। तो पोजिशनल बेसिस पे ओवर वोलेटाइल रहता है, गप अप गप डाउन होता है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं, तो आप उसको जरूर ट्रेड करना। तो ये हमारा व्यू 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है, जिसके टूटने की संभावना नहीं है फिलहाल। और 500 के 600 के कॉल और पुट में चेंज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। अब हम चलते हैं चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास है, सबसे पहले डेली चार्ट में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो अभी के लिए फिलहाल जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 432 का, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मुझे दिखाई दे रहा है वो अभी भी अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये देखो 800 का है, तो ये एक्चुअली वही निकल के आ रहा है जो रेजिस्टेंस पे दिखाई दे रहा था ऑप्शन चैन में और यहाँ पे प्राइस सेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो 800-809 का आपका है आई थिंक, तो 18,800 ही मानोगे। ओके, तो 800 भी आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 440, तो 200 पे आप मत जाइए, 440 के साथ आप प्ले करिए। तो यहाँ पे एक बार आए तो उस टाइम पे पुट के ओआई को देख लेना, अगर पुट का ओआई घटने की बजाय बढ़ा हुआ होगा तो आप यहाँ पे बाई द डिप का स्ट्रेटजी लगा सकते हो, प्लस अगर ऊपर जाए और इस जगह पे कॉल का ओआई घटने की बजाय बढ़ा हुआ होगा तो आप समझो कि रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आ जाएगा। तो इन सब जगह पे आप प्लान कर सकते हो और आप अगर कोई वीकली एनालिसिस लगाना चाहो, वीकली स्ट्रेटजी लगाना चाहो, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये फिलहाल निफ्टी का हमारा व्यू था, मैं फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, हमारा निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, इंट्राडे में अच्छे अच्छे मूव्स मिलेंगे, तो आप इंट्राडे बेसिस पे फोकस करिए, आप ओवरनाइट पोजीशन मत लगाइए, ओवरनाइट पोजीशन में आपको रिस्क हो सकता है, पोजीशंस उल्टी बन जाएगी आपकी अगर मार्केट इधर उधर खुल गया, तो ओवरनाइट पोजीशंस मत बनाइए, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करिए, इंट्राडे बेसिस पे अच्छे अच्छे मूव्स मिलेंगे और फाइनल 18,800 का रेजिस्टेंस और 18,300 का 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि टूटेगा नहीं इस वीक में, और 440 का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाई के लिए सपोर्ट हमारा है। तो इस 440 पे के पास आने पे हम बाई करेंगे और यहाँ पे 800 के पास जाने पे हम सेल करेंगे और बीच में इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करेंगे, ये हमारा प्लान याद रखिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट नॉलेज देना जरूरी है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, नई बैच 20 जून से चालू होगी, ये वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा, पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, वीडियो देखिए। कन्फ्यूजन अगर फिर भी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं और अगर सही लगे तो ज्वाइन जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।